जागरूक भारत 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सूरत के कतारगाम इलाके में बड़ी संख्या में हीरे की फैक्ट्रियां हैं, साथ ही अन्य उद्योग भी काफ़ी हद तक फूल फल रहे हैं। सुबह सुबह लोग काम पर निकल जाते हैं और विशेष रूप से हीरा कारखाने में जाने के लिए इस दौरान ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कतारगाम आश्रम के पास पूरी सड़क जाम होने के बावजूद एक भी ट्रैफिक गार्ड नज़र नहीं आया। सूरत में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इलाकों में ट्रैफिक की समस्या अभी भी देखने को मिल रही है। आज सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक जाम लगा रहा था। इस दौरान कतारगाम आश्रम के आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम हुआ। उस समय अगर ट्रैफिक गार्ड चौराहे या सर्कल पर नहीं खड़े होते तो इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती। देवराज सिंगला ने कहा कि मैं खुद ट्रैफिक में फंस गया था। मैंने अपनी कार को बाहर निकालने के लिए खुद कार से उतरकर ट्रैफिक को धीमा करने की कोशिश की। कारखाने में जाने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। उस समय यातायात विभाग का कर्तव्य सुनियोजित तरीके से यातायात का प्रबंध करना था, लेकिन आज यहां कोई यातायात कर्मी नज़र नहीं आया। इससे लोग आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। कई बार इस तरह से ट्रैफिक में वाहन चालक आपस में झगड़ पड़ते हैं और मारपीट भी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, सूरत।